ड्राइंग इसलिए बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ड्राइंग करते वक्त बच्चे भी ज़रा रम जाते हैं, अपने ही इसमें खो जाते हैं। उनके जो जो थॉट्स है वो शायद उससे उसके थ्रू उन्हें मज़ा आए, थोड़ा रिलैक्स फील करे बच्चे भी। एंड हम इंडोर एक्टिविटी कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ड्राइंग से अच्छा क्या हो सकता है। हम काफ़ी सिंगिंग और डांसिंग भी करने वाले हैं अभी। बहुत अच्छा रहा, बच्चे आजकल के इतने वेल बिहेव्ड है। लाइक मैं छोटी तो मैं तो बड़ी शैतान थी और बहुत हमेशा चिल्लाती रहती थी। ये लोग इतने वेल बिहेव्ड बच्चे हैं और मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम बाद टाइम स्पेंड कर रही हूँ। सो थैंक यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने ये पॉसिबल किया मेरे लिए। और क्या इनके दिमाग में आजकल चलता है, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं एंड यही है हमारा फ्यूचर भाई। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी स्पेंडिंग टाइम विद देम। खाने पीने में ठीक ठाक ही थी, खाने पे कभी ध्यान नहीं होता था ज़्यादातर। अगर आप मेरे बचपन की फ़ोटो देखो तो मैं ऑलरेडी बहुत पतली पतली हुआ करती थी उस वक्त, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ना पढ़ाई में ना किसी और चीज़ में, सिर्फ खेलने में हुआ करता था। और मैं इनसे भी ये बात शेयर कर रही थी कि जब जो मुझसे इन्होंने सीखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि मैं क्लासरूम में मेरा ज़्यादा ध्यान टीचर के पास नहीं होता था, मैं हमेशा ऐसे खिड़की वाली सीट ही लेती थी हमेशा, और मैं ऐसे बाहर देखती रहती थी, जिस वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी। बट मेरा जो बचपना था, आज यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से वही कर रही हूँ। मैंने हम लोग ने म्यूजिकल चेयर्स खेली अभी, ये मेरा फेवरेट गेम था। हम जो अभी खा रहे थे उसमें एग्जैक्टली वही मेरे बर्थडे का मेन्यू हुआ करता था, तो इट्स लाइक रीलिविंग माई ओन चाइल्डहुड। आई एम फीलिंग इट लाइक दैट। ये मेरी एक वीकनेस है, मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था हिंदी, और आप देख सकते हैं हिंदी हैज़ हेल्प मी बिकॉज आज मुझे हिंदी में बात करने में बड़ी आसानी होती है इस वजह से। और लिखना हिंदी में आई फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक। लाइक मेरी एक डायरी है जिसमें मैं हमेशा हिंदी में लिखती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी स्क्रिप्ट भी प्रेफर करती हूँ कि मुझे हिंदी में लिखी हुई है, ना कि वो इंग्लिश में कि वो आए। और मैथ्स की बात जितनी कम करे उतना अच्छा है। मुझे आज भी मेरा बचपन याद आ जाता है और मुझे मेरी मैथ्स की टीचर याद आती है, मैम अगर आप देख रही हैं तो आई एम सॉरी, आई ट्राइड रियली हार्ड। आज के बच्चों के लिए मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि डिड यू ऑल एंजॉय योर सेल्फ। आप मुझे मिले तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है एंड आई होप आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी, है ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं, जेन्युइनली ऑन अ सीरियस नोट, जो जितने भी लाइफ के स्ट्रेस है और प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर आके हम सब भूल जाते हैं। इट्स लाइक रिजाइनिंग। आज मैं आपके सामने ये कर रही हूँ, लेकिन आई होप ऐसे आगे बहुत सारे दिन आए कि जब मैं इनके साथ आकर टाइम स्पेंड कर सकूँ, और करना चाहती हूँ डेफिनेटली। सो वन बिग थैंक्स टू स्माइल फाउंडेशन इज़ वेल फॉर मेकिंग दिस हैपन। प्रोजेक्ट्स, यस डेफिनेटली। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन डांस चैम्पियंस ऑन स्टार प्लस, और इन बच्चों ने मुझे रजनीकांत में देखा है। डांस चैम्पियंस फिलहाल देख रहे हैं, इन्हें मज़ा आ रहा है। वेरी सून आई शैल कॉल यू ऑल ओवर देयर ऑल्सो, एंड मे बी आई एल बी डूइंग अ वेब सीरीज सून, सिंस वेब सीरीज इज सो इन नाउ। हेलो, आई हूँ मैं आज स्माइल फाउंडेशन में इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ वक्त बिताने। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आएगा। Okay, bye 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 bye.